काशीपुर गांव में काजू नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। काजू 20 साल का हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत शैतानियां करता था। दो लड़कियां अगर पास में बैठी होती तो चुपचाप जाकर उनकी चोटियां बांध देता। जब लड़कियां कुएं से अपना मटका भरकर ले जाती तो गुलेल से उनकी मटकी फोड़ देता। रोजाना कोई ना कोई उसके पिता के पास शिकायत करने आता। अरे, आज आपके लड़के ने फिर से मेरी मटकी फोड़ दी। अब तो वो 20 साल का हो गया है, किसी काम पर भेजिए। दिन भर गांव में घूमकर मटर गश्ती करता रहता है, लोगों को परेशान करता है। समझाते क्यों नहीं आप उसे? बेचारा बूढ़ा बाप लोगों को आश्वासन देता है कि हाँ, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, लेकिन काजू सुधरता ही नहीं था। अरे मैं तो कहता हूँ आप अपने बेटे की शादी कर दें, जब जिम्मेदारी सर पर आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। काजू के पिता सोचते हैं कि उनकी मृत्यु भी निकट है, तो क्यों ना लड़के की शादी कर दी जाए। वो काजू की शादी कर देते हैं। बहू घर पर आ जाती है, लेकिन फिर भी काजू की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन उसके पिता बहुत बीमार पड़ जाते हैं और वो काजू को बुलाकर कहते हैं, देख बेटा, मैं तुझे प्रेम करता हूँ, अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मैं तुझसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी ना कभी हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है। अब तू कोई काम कर ले और ध्यान रखना कि जिंदगी में कहीं पर रुक मत जाना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। ऐसा कहकर काजू के पिताजी मर जाते हैं। काजू पर एकदम से जिम्मेदारी आ जाती है। गांव में तो कोई काम होता नहीं, इसलिए काजू मुंबई जाने का फैसला करता है। काजू के पास अपने पिताजी के दिए 10,000 रुपए होते हैं, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचता है तो कोई उसकी जेब काट लेता है। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? काजू की पत्नी रोने लगती है। अब हमारा क्या होगा? तुम चिंता मत करो, उसने हमारे पैसे छीने हैं, हमारी बुद्धि नहीं। काजू और उसकी पत्नी एक सड़क किनारे तंबू लगा लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। फिर काजू काम की तलाश में निकलता है। काजू को सड़क पर एक लड़का अखबार बेचते हुए दिखता है। पढ़िए पढ़िए, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, सरकार ने CAA कानून को वापस ले लिया। काजू लड़के के पास जाता है और उससे कहता है, आधे अखबार तुम मुझे दे दो, बेचने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे बस 100 रुपए दे देना। लड़का आधे अखबार राजू को दे देता है। काजू बहुत मेहनत से अखबार बेचता है। उन 100 रुपयों से काजू अपनी और अपनी पत्नी के लिए खाना खरीदता है। मेरे हाथ में अंगूठी है, आप इस अंगूठी को बेच दें तो कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। काजू वो अंगूठी सुनार के पास बेच देता है और उन पैसों से अखबार खरीद कर बेचने लगता है। काजू रोजाना अखबार खरीदता और बेचता। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी तो काजू ने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल से घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता। जब थोड़ी कमाई और बढ़ गई तो काजू ने किराए पर एक कमरा ले लिया और रहने लगा। एक दिन जब काजू साइकिल से न्यूज़पेपर डालकर लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। काजू की टांग टूट जाती है और उसे महीने भर के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। आप कुछ दिन आराम करें, मैं न्यूज़पेपर डालने जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? कभी किसी लड़की को न्यूज़पेपर डालते देखा है? आप परेशान ना हो, मैंने गांव में बहुत साइकिल चलाई है। काजू का पैर ठीक होने तक काजू की पत्नी न्यूज़पेपर डालती है। काजू की पत्नी का अखबार में भी फोटो निकलता है। काजू की पत्नी से प्रेरणा लेकर और लड़कियां भी न्यूज़पेपर डालने का काम शुरू करती हैं। उस एरिया के सांसद काजू की पत्नी की बहादुरी देखकर इनाम में 50,000 रुपए देते हैं। कुछ दिनों बाद काजू की टांग भी ठीक हो जाती है। अब काजू की पत्नी एक टी स्टॉल खोल लेती है और काजू फिर से पेपर डालने का काम शुरू कर देता है। जब काजू और उसकी पत्नी के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो काजू को अपने पिता की कही बात याद आती है।
बेटा, जिंदगी में कहीं पर रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहना। काजू सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल लूं। काजू बैंक जाकर कुछ लोन ले लेता है और एक प्रिंटिंग मशीन खरीद लेता है। काजू न्यूज़पेपर के साथ साथ टेम्पलेट, बुक वगैरह भी छापने लगता है। कुछ वर्षों में काजू का धंधा बहुत बढ़ जाता है। वो एक बड़ा घर और कार खरीद लेता है। काजू अपने पुराने दिनों को भूलता नहीं है। वो गांव से आने वाले लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवाता है, ताकि अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो धर्मशाला में रुक सके। ये कहानी है साउथ इंडिया के एक शहर की। मुनावर नाम का एक कूली था, जो रोज स्टेशन पर लोगों का बोझ ढोया करता था। इतनी कड़ी मेहनत करके मुनावर ने अपने बेटे फैजल को एक इंजीनियर बनाया था। बेटा, आज तेरी नौकरी लगी है, अच्छे से काम कर और तरक्की हासिल कर। तू अकेला है हमारे घर में जो इतना पढ़ा लिखा है। जी बाबा। फैजल रोज अपने ऑफिस जाया करता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसे ऑफिस अच्छा नहीं लगने लगा। मुझे अपना खुद का कुछ बिजनेस करना है, ये ऑफिस मेरे बस की बात नहीं। इस टॉपिक पर बात करने फैजल अपने अब्बा के पास गया। अच्छा है फैजल की नौकरी लग गई, अब कुछ महीने मैं भी कुली का काम छोड़कर घर पर आराम करूँगा। हाँ हाँ, फैजल ने ये बात सुन ली और इसके बाद उसने अपने अब्बा से कोई बात नहीं की। उस रात फैजल सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है। अगर मैंने अभी नौकरी छोड़ दी तो अब्बा पे लोड आ जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं कुछ वक्त और नौकरी कर लूं और फिर बिजनेस डालने का सोचूं। फैजल ने नौकरी पर जाना जारी रखा। 6 महीने बाद एक संडे के दिन फैजल घर में इडली बना रहा था, तभी उसका चचेरा भाई नौशाद आया। क्या भाई जान, अम्मी की तबीयत खराब है क्या जो आप इडली बना रहे हो? क्यों नौशाद मियाँ, मैं बीमार रहूंगी तो ही ये काम करेगा क्या? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, फैजल दुनिया की सबसे अच्छी इडली और डोसा बनाता है। ऐसा क्या, तो हम भी चक्कर देखेंगे। नौशाद ने फैजल की बनाई हुई इडली खाई। अफलातून भाई जान, क्या जायका है। आप अगर ये इडली बेचेंगे ना तो लोगों की लाइन लग जाएगी खाने के लिए। हाँ। अरे कम्बख्त, कहाँ मेरे अच्छे खासे इंजीनियर बेटे को इडली वाला बनने की सलाह दे रहा है। छी छी, अल्लाह कसम भाई जान, छा जाएंगे। नौशाद और फैजल की अम्मी इस बात पर झगड़ने लगे, लेकिन फैजल अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगा। शाम को फैजल अपनी अम्मी से बातें करने लगा। अम्मी, वैसे नौशाद के बोलने से मुझे लगा कि मुझे इडली का बिजनेस डालना चाहिए। कहाँ तो उसकी बातों में आ रहा है, वो तो है ही मनचला, कुछ भी बोल गया और तू सोचने बैठ गया। अरे अम्मी, मेरी बात तो सुनिए, इडली और डोसे की जान उसका आटा है। मैं इडली और डोसे का बिजनेस नहीं डालना चाहता, बल्कि मैं ये आटा बेचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आटा घर घर पहुँचे और सभी लोग इसके जायके का मजा उठाए। मेरी तेरी बात तो समझ गई, लेकिन ये सब होगा कैसे? कोशिश करके देखते हैं। और अगले दिन से फैजल ने इडली और डोसे का आटा बनाना शुरू कर दिया। फिर इस आटे की उसने छोटी छोटी बैग्स बनाई। फैजल ये आटा अपने पास वाली दुकान पर ले गया और उसने दुकान वाले को आटे के पैकेट बेचने के लिए राजी कर लिया। पैकेट्स देकर फैजल अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब वो वापस दुकान पर लौटा तो 5 में से सिर्फ 2 पैकेट्स बिके थे, बाकी पैकेट्स फैजल ने वापस ले लिए। अगले दिन वापस फैजल ने आटा बनाया और पैक किया। फिर से उसने दुकान पर 5 पैकेट्स दिए और ऑफिस चला गया। आज जब वो लौटा था तो उसके सारे पैकेट्स खत्म हो गए थे। भाई, आपके सारे पैकेट्स बिक गए, कल से कम 15 पैकेट्स दे दो। ठीक है भाई। ये सुनकर
फैसल बहुत खुश हुआ। अगले दिन से फैसल ने 15 पैकेट्स बनाने शुरू कर दिए और शाम तक उसके सारे पैकेट्स बिक गए। फैसल घर में खाना खा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर खटखट हुई। जी बोलिए, वो आपका ही इडली आटा है ना, जो सलीम भाई की दुकान पर बिकता है? हाँ, क्यों? मेरी शहर में 5 दुकान हैं और मैं चाहता हूँ कि कल से आप मेरी हर दुकान में इडली का आटा सप्लाई करें। मुझे रोज 100 पैकेट्स चाहिए होंगे। ठीक है भाई। फैजल को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। अगले दिन फैजल सुबह 4 बजे उठकर आटा बनाने लगा और फिर 8 बजे उसने सब पैकेट्स की डिलीवरी दी और वो अपने ऑफिस चला गया। इसी तरह फैजल के इडली के आटे की डिमांड बढ़ने लगी। एक हफ्ते बाद उसने अपने चचेरे भाई नौशाद को भी अपने साथ रख लिया आटे के पैकेट्स की डिलीवरी करने के लिए। एक महीने बाद फैजल के आटे की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उससे अपनी इंजीनियर की नौकरी छोड़नी पड़ी। अब्बा, मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ और तेरी मेहनत देख के मुझे यकीन है कि तुझे सफलता जरूर मिलेगी। तू बेशक नौकरी छोड़ दे। अपने अब्बा के हौसला अफजाई से फैसल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम इडली का आटा बनाने के बिजनेस में जुड़ गया। कुछ ही महीनों में फैसल का बिजनेस बढ़ गया और उसकी एक कंपनी बन गई। फैसल की कंपनी में अब 25 औरतें काम किया करती हैं। एक साल में फैसल की कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी। फैसल की कंपनी का टर्नओवर 20 करोड़ रुपए था और उसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। अफसल ने अपना सपना पूरा किया। वो सिर्फ 5 पैकेट की शुरुआत आज 50,000 किलो के आउटपुट में बदल गई थी। इसके पीछे फैसल की जी तोड़ मेहनत थी।